अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ए चंपा कली, वो रसोई में इतना सारा खाना किसके लिए बनाया है? हा? जय श्री कृष्ण तरुफई। जय श्री कृष्ण। अरे तुम लोग ऐसे बिना बताए अचानक? हाँ, सारंग ने फोन करके हमें बुलाया है, कह रहा था कि कोई सरप्राइज देना चाहता है। अच्छा, तो उसने सबको इकट्ठा किया है, लेकिन ऐसी क्या खबर देनी है उसे? आओ आओ, बैठो बैठो। आ गए आप लोग? जय श्री कृष्ण बाबू। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कद्दू कद्दू ठीक है ना बेटा? हाँ बस ठीक। अरे सारंग कहाँ है? बोल रहा था कि एक एकदम विशेष खबर देने वाला है, अब तक उसका ही पता नहीं। आपको भी बुलाया उसने? सबको ही बुला होगा ना। बेनबा, मैं आपसे यही तो कह रही थी, सारंग जी ने इतना खाना बनवाने के लिए कहा था। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन, और मैं ये खुशी आप सभी लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग सब मेरे बुलाने पे यहाँ हैं। चलो। अरे इतना गोल गोल बात को क्यों घुमा रहा है? बताना सीधे मुद्दे पे आ। अब बताने से पहले मैं आप सभी लोगों का आशीर्वाद देना चाहता हूँ। दिया आशीर्वाद जा। वो क्या ना कि खुशी इतनी बड़ी है कि आप सभी लोग सुन के पागल हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बिलवा का मुंह मीठा करना चाहता हूं। मुंह मीठा करो। Come on। अरे बात तो बता, क्या है? बात यह है बापूजी के आप पर नाना बनने वाले हो, मैं पापा। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने, बधाई हो। वाओ बिरवा, कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है संतो, आप खुश नहीं है? मुंह मीठा कीजिए। मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। कोई मुझे और गिरा था, इससे पहले मैं खुद ही गिर गया। वहां देखिए, आपकी मूर्ख मंडली को ये लगता है कि मैं बिरवा के बच्चे का बाप बनने वाला हूं, पर ये बात मैं जानता हूं और आप जानती कि मेरे होने वाले बच्चे की मां कौन है। ये बात सिर्फ हम चारों को पता है, तो मैं चाहता हूं कि हम में से कोई एक जाकर ये खुशखबरी धर्मराज मायावंशी को दे। अरे मोंगी, तुम भी मुंह मीठा करो, खुशी का दिन है आज। इनफैक्ट सबसे पहले तो मुझे तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए थी। पाप बनने वाला हूं मैं। ये कौन सा नया नाटक था तुम्हारा? कौन सा? नीचे वाला? अरे मैं तो सेलिब्रेट कर रहा था पापा जो बनने वाला हूं। अब इतनी बड़ी न्यूज़ तुमने तो मुझे दी नहीं,
लेकिन मुझे पता चल ही गया। क्यों, तुम खुश नहीं हो? लिसन, डोंट एक्ट स्मार्ट। सबको ये न्यूज़ बता के अब कौन सा खेल खेलने का इरादा है? खेल? वो तो मैंने अभी खेलना शुरू ही नहीं किया। अभी तो मैंने सबको सिर्फ यही बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ। ये बताना तो बाकी है कि किसके बच्चे का। हे लिसन, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। मैं क्यों बताऊंगा, ये बात तो तुम बताओगी या फिर बताएंगी संतु माँ। मैं बताऊंगी मालिक को। पर मालिक आ जाए फिर मैं उन्हें बताऊंगी। ऑफ कोर्स, प्लीज संतु माँ, जरूर बताइए, बताइए कि उनकी मुंह बोली बेटी माँ बनने वाली है और होने वाले बच्चे का बाप मैं हूँ। आई नो बुरा तो लगेगा और गुस्सा भी आएगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनसे कह दूंगा कि ये सब करने के लिए मुझे मोंगी ने मजबूर किया था। शादी होने के बाद भी वो मुझे पाना चाहती थी। बताऊंगा मैं सबको कि हम दोनों की शादी तो हुई है लेकिन हम दोनों के बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं। पापा भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोंगी मुझसे कितना प्यार करती थी। वो तो ऐन वक्त पर तुमने आकर अपना खेल खेल लिया। बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना आप लोगों को कि अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में कैसे फंसा है। अब फंस हो गए लेकिन निकले कैसे? मुझे निकालना चाहती थी ना तुम घर से। अब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मुंगी के नाम पे, अब तुम्हारी यही प्रॉपर्टी मैं तुम्हारी नाक के नीचे से लेके जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि मुंगी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब तो तुम्हें मुझे डिवोर्स देना ही होगा। अब मेरी और मुंगी की शादी कराएंगे खुद धर्मराज मायावंश। Got it. माँ, ये सारंग तो बहुत ही घटिया हरकत पे उतरा है, पर ये प्रेगनेंसी वाली बात उसे किसने बताई? इसका मतलब ये है कि कोई और है इस घर में जिसने ये बात सारंग को बताई है। अगर ये सच पापा या किसी और को पता चला तो हम क्या बताएंगे?